ओम शांति। आज की तारीख है 29/9/22 और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वो अच्छी तरह से ये जानते हैं कि बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं, वो सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, वो बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। धारणा के लिए मुख्य गीता के दो सार के महावाक्य। नंबर एक, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। नंबर दो, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए क्या करना पड़े? याद में रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान सतगुरु बाबा का, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप, यानी मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, दोनों सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है वैसे हम साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हैं और बन ही जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ में चलेंगे। स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।